पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बिलारी के राय शक्ति मंदिर में वैश्य समाज उत्तर प्रदेश की एक सभा का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के द्वारा बनाए गए जिलाध्यक्ष नितिन गुप्ता का बिलारी में भव्य स्वागत हुआ। मुरादाबाद जिलाध्यक्ष नितिन गुप्ता के द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए बिलारी नगर इकाई का अध्यक्ष विकास गुप्ता को बनाया गया और महामंत्री गिरीश गर्ग को बनाया गया। आयोजित सभा में जिले की टीम का जोरदार स्वागत किया गया। सभा में नितिन गुप्ता ने कहा कि मंत्री जी का आगमन जल्द मुरादाबाद में होगा और कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी अपना सहयोग देंगे। नितिन गुप्ता ने कहा कि समाज को संगठित करने की जिम्मेदारी मंत्री महोदय के द्वारा नितिन गुप्ता को सौंपी गई है। ये जो वैश्य समाज का संगठन है पूरे उत्तर प्रदेश में, वैश्य समाज उत्तर प्रदेश का संगठित हो रही है और आज मैंने नगर अध्यक्ष बिलारी में अपने महान अपने युवा साथी जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के चलेंगे और मुझे लगता है कि मेरे विकास मेरे जो है समाज को जोड़ के अपने साथ चलेंगे, ऐसे मैंने अपने साथी को नगर अध्यक्ष की घोषणा करी है। विकास गुप्ता जी बहुत ही प्रबल है, इनके लिए नगर महामंत्री गिरीश वर्मा जी, गिरीश गर्ग जी ये भी मुझे विश्वास है कि अपने समाज को बहुत अच्छे से खड़ा करेंगे और विकास की सेवा करेंगे। और हमारे साथी नगर कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता जी ये भी हमारे बीच में है, बाकी कार्यकारिणी की समय कम था, काम कुछ ज्यादा है तो इस वजह से घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि 5 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन मुरादाबाद नगर पंचायत में मेरे मार्गदर्शक और मेरे वैश्य समाज के संयोजक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता नंदी भैया का मैंने स्वागत समारोह रखा है और मुझे आशा है कि बिलारी से बहुत भारी संख्या में मौजूद सब लोग आएंगे, क्योंकि आज छोटा सा कार्यक्रम था, 2 घंटे पहले मैंने सूचना दी तब इतनी पब्लिक हो गई, जब मैं 1 हफ्ते पहले सूचना दे रहा हूं तो पता नहीं कितना जनसैलाब बिलारी से मुरादाबाद जाएगा। नंदी भैया के हाथ मजबूत करेंगे तो लगेगा कि हमें भी हाथ मजबूत है। वैश्य समाज जिंदाबाद, नंदी भैया जिंदाबाद।